सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के नए इवेंट मैच एंड विन के बारे में। तो यहाँ पर एक नया इवेंट आ चुका है मैच एंड विन, तो इसके अंदर आप देख सकते हो हायातो कैरेक्टर, लोरा कैरेक्टर, यहाँ पे तीन तीन गन के स्किन मिलने वाले हैं, तीन तीन बॉक्स, और साथ ही साथ लेवल 6 का कार्ड जो है बिल्कुल फ्री में सभी को मिलने वाला है। सो गाइस, एक ही दिन में मैंने ये इवेंट कम्प्लीट कर लिया है और मेरे को सारी की सारी चीज़ें मिल गई है। तो मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ ताकि आप भी उसका यूज़ कर सको और एक ही दिन में ये वाला इवेंट जो है कंप्लीट कर सको और ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में ले सको। और गाइस, हमारा जो नया इलाइट पास आया है उसमें मेरे को 100 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिले हैं। तो वो भी कैसे मिले हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर फ्री फायर खेलते हो तो नेशनल गेमर को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना ताकि ऐसी वीडियोज आप और भी देख पाओ। सो गाइस, चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस इवेंट का नाम है मैच एंड विन और ये इवेंट जो है 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 10 जनवरी तक चलेगा, यानी कि 10 दिन पूरे ये इवेंट चलने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे 12 कार्ड दिए गए हैं आपको, 2 एक जैसे कार्ड जो होंगे उनको मैच करना है ढूंढ के, और जैसे आप मैच कर दोगे तो उसका जो रिवॉर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 12 कार्ड है यानी कि 6 चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं, तो आपको अगर 12 के 12 कार्ड जो है अगर आप मैच कर देते हो तो आपको ये 6 चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और गाइस, कार्ड को मैच करने के लिए आपको फ्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 10 फ्लिप है, तो आपको फ्लिप कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको 1 तारीख से 10 जनवरी तक डेली आपको जो है 10 फ्लिप मिलेगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको डुओ या स्क्वाड मैच खेलना है 5। जैसे आप 5 मैच खेल लोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 10 जो है फ्लिप मिल जाएगा। सो गाइस, अब आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको कौन सी ट्रिक का यूज करना है इसको कंप्लीट करने के लिए, और मैंने कैसे कंप्लीट किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सारे कार्ड को एक एक करके फ्लिप करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला दबाया, अगर आपको ऐसा डुप्लीकेट रिक्वेस्ट दिखाता है तो आपको सिंपली ओके दबाना है और फिर से ट्राई करना है। यहाँ पे दूसरी बार भी कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा लोरा कैरेक्टर है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक नोट उठानी है जिसमें लिख देना है कि 1 नंबर पे था लोरा कैरेक्टर। तो यहाँ पे दूसरा ओपन करते हैं, तो डुप्लीकेट रिक्वेस्ट दिखा रहा है, तो फिर से ओके करके फिर से ओपन किया और यहाँ पे लोरा कैरेक्टर दूसरे पे था तो मिल गया। अगर यहाँ पे नहीं था तो आपको सिंपली नोट में लिख लेना है कि 2 नंबर पे क्या था। तो अब ओपन करते हैं 3 नंबर के कार्ड को, तो 3 नंबर के कार्ड पे है जो हमारा M4A1 का डब्बा है वो मिला है। तो अब ओपन करते हैं 4th कार्ड, देख लेते हैं इसमें क्या मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज़ मिल रही है आपको अपने नोट में लिखते रहना है कि कौन से नंबर पे क्या है। तो मैंने लिख दिया कि 3 नंबर पे M4A1 का डब्बा है। तो यहाँ पे 4th ओपन नहीं हो रहा है, तो 5वां करते हैं, 5वां भी नहीं हो रहा है, तो 4th फिर से किया और यहाँ पे हयातो, ठीक है। तो आपको लिख लेना है कि 4th वाले कार्ड में हयातो है, 3rd कार्ड में जो है M4A1 का डब्बा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है 10वें नंबर का डब्बा ओपन किया, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो है हमारा लेवल 6 का कार्ड, तो मेरे को 1 पता चल चुका है, तो मैंने ये भी लिख लिया ताकि जैसे ही मेरे को दूसरा मिलेगा तो मैं ओपन कर लूँगा। और यहाँ पे मैंने 5वां ओपन किया, तो उसके अंदर M4A1 का डब्बा था, तो मेरे को पता है कि M4A1 का दूसरा कार्ड जो है 3rd नंबर पर था, मेरे को याद है क्योंकि मैंने लिख लिया था। तो यहाँ पर मैंने 5वां दबाया और 3rd दबाया तो मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पर डुप्लीकेट रिक्वेस्ट अगर आपको दिखाता है तो आपको सिंपली ओके करना है और फिर से ट्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने दबाया और यहाँ पे बूम गाइस, मेरे को मिल चुका है M4A1 का डब्बा। सो गाइस, अब ओपन करते हैं 6 नंबर वाला कार्ड और देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें MP40, जो कि मैंने लिख लिया कि 6 नंबर के कार्ड पे MP40 था, तो इसके नीचे वाला कार्ड है वो भी ओपन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट रिक्वेस्ट का एरर आ रहा है, तो ओके कर देना है, फिर से ट्राई करना है। यहाँ पे लेवल 6 का कार्ड मिल चुका है, तो आपको पता होगा लेवल 6 का दूसरा कार्ड कहाँ था, मैं अपनी नोट में देख लेता हूँ और दोनों एक साथ ओपन करने पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक तो आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बाकी की सारी चीज़ें जो है डबल स्पीड में क्लेम करके दिखा देता हूँ ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। और गाइस, ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इलाइट पास में से 100 डायमंड बिल्कुल फ्री में कैसे मिला। सो गाइस, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्री फायर खेलते हो तो नेशनल गेमर को सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर दो, ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो गाइस, ये इवेंट कंप्लीट हो चुका है आप देख सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को इलाइट पास में से 100 डायमंड फ्री में कैसे मिले। सो गाइस, आपको इलाइट पास वाले ऑप्शन में आ जाना है। ऑप्शन में आने के बाद आपको जो मैं एरो करके दिखा रहा हूँ वो बटन पे क्लिक करना है। उस बटन को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, तो आपको ये वाला बटन दबाना है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो गाइस, जो भी इलाइट पास चल रहा है उसका नंबर है 20, यानी 20 नंबर का जो इलाइट पास अभी चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी 20 नंबर का इलाइट पास यानी कि अभी जो चल रहा है वो लेगा तो उसको 25 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अगर किसी ने 19 वाला लिया था यानी कि इसके पिछला जो इलाइट पास था वो लिया था और 20 वाला भी लेगा तो उसको यहाँ पर एक डायमंड रॉयल वाउचर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा।
और जिसने 18 वाला भी लिया था, 19 वाला भी लिया था और अभी जो 20 वाला चल रहा है वो भी लेगा, तो उसको 75 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो मेरे को 100 डायमंड यहाँ से बिल्कुल फ्री में मिल गया। सो गाइस बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देम टेक केयर, गुड बाय।